महाराजगंज जनपद में प्रदेश सरकार की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय स्थित एक लॉन में गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। गरीब कल्याण मेला में केंद्र एवं प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मेले के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की विकास योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए स्टॉल भी लगाया गया था। गरीब कल्याण मेले में जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2024 से पहले भारत की विश्व पटल पर पहचान भ्रष्टाचार और गरीब देश के रूप में थी, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने गरीबों और विकास के हित में काम करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का काम किया है, जिससे आज विश्व पटल पर भारत की एक अलग पहचान बनी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण की योजनाओं को चलाकर गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 8 वर्ष पूरे हो गए हैं सरकार बने हुए। इन 8 वर्षों में आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से, उनसे सीधे मिलने के उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ महाराजगंज जनपद मुख्यालय पर आए थे। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, किसान सभी लोग आकर के इस कार्यक्रम में शिरकत किए। मैं पूरे महाराजगंज जनपद के वासियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन आभार प्रकट करूंगा महाराजगंज जनपद की तरफ से कि उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाएं चला करके महाराजगंज के सभी जो गरीब वंचित थे उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।